कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर कंस्ट्रक्शन पे जाएं तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। रूल नंबर वन, एक लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास पड़ा हुआ है वो छोटा है और आंख के पास पड़ा हुआ लेंस बड़ा है। ये इसको आईपीस बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, दो केस हो गए। इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, इमेज ये कहां बनाता है, यहां बनाता है। ऑब्जेक्ट की दूरी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यू ओ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू ओ, और ये जो इमेज बनाता है ये कहां बनाता है, वी ओ, यू ओ, वी ओ। ठीक है यहां तक। उसी तरीके से ये जो लेंस है ये इसे ऑब्जेक्ट मानता है, तो ऑब्जेक्ट मानता है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यू ई, आई पीस के लिए यू ई, और ये इमेज कहां पर बनाता है, डी, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो क्लियर है यहां तक। तो ऑब्जेक्ट के लिए यू ओ, वी ओ, और लेंस के लिए वी ऑफ, यू ऑफ, ई और डी। तो अगर मैं ये पूछूं कि इसमें लेंस, ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसकी लंबाई कितनी है, ये ट्यूब में डाले जाते हैं दो लेंस ट्यूब, तो ट्यूब की लेंथ क्या है या लंबाई कितनी है, तो अब आंसर बोलेंगे वी ओ प्लस यू ई, इनका सम, ये आंसर है। तो लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, वी ओ प्लस यू ई, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने ये करवाया था, जब इसकी मैग्नीफाइंग पावर हमने निकाली थी तो हमने किया था कि टोटल मैग्निफिकेशन क्या होती है, आईपीस और ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होती है, ये हमने किया। इसके बाद हमने किया था कि इसमें ये फॉर्मूला हमारे पास आया था मैग्निफिकेशन का, एक स्पेशल केस किया था। स्पेशल केस ये था कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यू ओ, अगर काफी पास पड़ा हुआ है फोकल लेंथ के, तो यू ओ की जगह क्या पुट कर देंगे, एफ ओ। यू ओ की अगर वैल्यू नहीं गिवन तो एफ ओ पुट कर दिया जाता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ये जो इमेज बनाता है वो कहां पे बनाता है, वो इमेज ऑलमोस्ट इसके पास बनाता है, तो वी ओ की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाती है, एल, एल का मतलब लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ऐसे पुट किया था हमने। तो आप चेक करो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था वी ओ बाई यू ओ। स्पेशल केस में जब यू ओ नहीं गिवन होता तो मैंने क्या बताया था, इसकी जगह पुट कर लेते हैं एफ ओ और इसकी जगह क्या पुट कर लेते हैं, एल। तो कई बुक्स ये फॉर्मूला भी यूज करती हैं, लेकिन तब यूज करती हैं जब यू ओ मिसिंग होता है। डिपेंड करता है कि कौन सा कब फॉर्मूला यूज करना है, ये कब करना है या ये कब करना है, डिपेंड करता है। आज मैं न्यूमेरिकल में सिखाऊंगा कि कैसे कैसे करते हैं इसे अप्लाई। तो इसमें जो इमेज है इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो फॉर्मूला कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पहला फॉर्मूला, मैग्नीफाइंग पावर टोटल इज एम ओ इंटू एम ई, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो जिसका डायग्राम मैंने आपको दिखाया था उसमें मैग्नीफाइंग पावर का ये फॉर्मूला वी ओ बाई यू ओ वन प्लस डी बाई एफ ई। लेकिन मैंने कहा था कि कई बार क्या हो जाता है कि हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज पुट करते हैं, लेकिन ये रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं है, जिसमें यू ओ को एफ ओ पुट कर देते हैं और वी ओ को एल पुट कर देते हैं, तो ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर पाएंगे। ठीक है यहाँ तक। लेकिन कोशिश करेंगे यही यूज हो, अगर वैल्यूज मिसिंग हो फिर ऐसे भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट है, जब इमेज इंफिनिटी पे बनती है तो वन प्लस हटा देते हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर का ये फॉर्मूला बनता है। आप प्लीज ये फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लें, इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें ये फॉर्मूलाज भी नोट कर लें।
इसको एक बार चेक करो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ गिवन एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ गिवन, एफ ओ गिवन है, एफ ई गिवन है, हैज अ ट्यूब ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। ट्यूब का मतलब माइक्रोस्कोप की पूरी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, एल यानी कि 20 सेंटीमीटर है। आगे कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। अगर फाइनल इमेज कहां पर बन रही है, एट नियर पॉइंट, हमारी नॉर्मल आई का नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर यानी कि लीस्ट डिस्टेंस, तो कैपिटल डी 25 है। तो फॉर्मूला क्या यूज करें, हमें फॉर्मूले दो आते हैं, एक तो एग्जैक्ट फॉर्मूला जिसमें वी नॉट वी ओ बाई यू ओ पुट करते थे। प्रॉब्लम यह है कि ना तो मेरे को इसमें वी ओ गिवन है, ना इसमें यू ओ गिवन है, तो ना मेरे को ऑब्जेक्ट पता, ना मेरे को इमेज पता, तो मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। मुझे एल पता है, एफ ओ पता है, डी पता है और एफ ई पता है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करूंगा, आंसर आएगा, लेकिन ये जो आंसर है ये एग्जैक्ट आंसर कभी नहीं होगा, क्योंकि एल वाले फॉर्मूले को यूज करके एग्जैक्ट आंसर आता नहीं, अप्रोक्सीमेट होगा। पर हमारे पास और कोई तरीका नहीं है तो हम यही आंसर करेंगे, 270 टाइम्स हो जाएगा। कोई कहता है सर नेगेटिव आएगा, बिल्कुल आप नेगेटिव लगाना चाहते हो लगा दो, -270 लिख सकते हो ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि इमेज जो बनती है हमेशा उल्टी बनती है। तो समझ में आ रहा है यहां तक कैसे फॉर्मूला अप्लाई किया। पहली प्रेफरेंस वही फॉर्मूले की है, वी ओ बाई यू ओ, पर अगर वैल्यू नहीं गिवन तो फिर एल बाई एफ ओ। फिर करते हैं, ये देखो इसमें लगा के देखो, देखो यू आर गिवन टू कन्वर्जिंग लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 1.25 एंड 5 सेंटीमीटर, एक एफ ओ एक एफ ई। मुझे कैसे पता लगा कि एफ ओ छोटा एफ ई बड़ा है? हाँ, ऑब्जेक्टिव का छोटा होता है लेंस और आई पीस का बड़ा है, तो फोकल लेंथ में फर्क होता है इनमें, ठीक है। यहां तक नेक्स्ट है, टू डिजाइन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट इज डिजायर टू हैव अ मैग्निफिकेशन ऑफ 30। तो टोटल मैग्निफिकेशन कितनी चाहिए, एम कितनी, 30।
फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ऑब्जेक्टिव और आईपीस की सेपरेशन का मतलब लेंथ ऑफ क्या निकालना है, माइक्रोस्कोप निकालना है, एल निकालना है, ठीक है। तो अब इस केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता क्या है, वीओ बाय यूओ वाला फॉर्मूला लगाएं अगर हम, पहली प्रेफरेंस वही रहेगी हमारी, हम एल वाला फॉर्मूला ना लगाएं, हम लगाएंगे वीओ बाय कौन सा, वीओ बाय यूओ वाला। प्रॉब्लम यह है कि अपने को ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस पता ही नहीं है, तो यूओ कहां से आएगा, है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या समझें, इसका मतलब अपने को यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एल वाला, और आपको सीधा एल पूछ रहा है, तो एल की वैल्यू हमने निकालनी है, एफ ओ पता है, डी पता है, एफ ई पता है और एम पता है, सॉल्व करके एल आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहली कोशिश यही रहेगी कि आप ये फॉर्मूला ना लगाएं और आप लगाएं वी ओ बाई यू ओ, बट जब क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन नहीं होंगी वी ओ और यू ओ की, फिर हम एल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब ये देखो, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस और ऑब्जेक्टिव की वैल्यू ये गिवन है आपको, एंड लेंथ ऑफ ट्यूब भी गिवन है इसमें 20। कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला ओपन कर लो। इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला क्या था, इन्फिनिटी का फॉर्मूला था इसमें, इन्फिनिटी का फॉर्मूला था कितना, वी ओ बाई यू ओ इंटू डी अपॉन एफ ई, यही था। तो मगर मैं साइड पे लिखूं तो यहाँ पर मैं, मुझे लिखना चाहिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला वी ओ बाई यू ओ इंटू डी डिवाइडेड बाई एफ ई, ऐसे चेक कर लो। आपको ये फोकल लेंथ पता है, आपको डी की वैल्यू पता है, आपको वी ओ और यू ओ पता है, एक बार चेक करो, नहीं, आपको L पता है। अब एक तरीका यह बनता है कि आपको अगर L पता है तो आप इसकी जगह L पुट कर लें और इसकी जगह F O पुट कर लें, तो आंसर आ जाएगा। आंसर चेक करना कितना आ रहा है, पुट करना इसके अंदर 100 आ रहेगा, चेक करना 100 आ रहा है। हाँ जी, 100 आ रहा है ना, यह आंसर सही नहीं है। अब मैं बताता हूं क्यों। आप कहोगे सर ठीक तो किया है, क्योंकि यूओ और वीओ तो गिवन नहीं था, हम निकाल भी नहीं सकते थे तो हमने पुट कर दिया। हम निकाल सकते थे वीओ यूओ, जिनमें निकाल सकते हैं उसमें वीओ यूओ निकालना ही पड़ेगा। अब देखो कैसे, जो तो इन्फिनिटी के केस होते हैं ना, उनमें निकालना ईजी होता है ये, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी के केस में ऑब्जेक्ट से लेके ये जो डिस्टेंस है ये क्या था, वीओ था, ये वीओ है, और इस लेंथ से ये जो डिस्टेंस है ये क्या होता है, एफ ई, ये यू ई नहीं है इस केस में, ये एफ ई है, तभी तो इमेज कहां पर बनती है, एट इन्फिनिटी। ये स्टेप क्लियर है यहां तक। तो मेरे को ये पता है कि लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप इस केस में वीओ प्लस एफ ई है। अब आपको इस क्वेश्चन में एल की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कितनी, 20। आपको फोकल लेंथ की वैल्यू एफ ई की वैल्यू भी पता है कितनी, 5। तो यहां से क्या आ गया, वी ओ की वैल्यू आ गई आपके पास, तो वी ओ कितना आ गया, 15। क्लियर है यहां तक, ये स्टेप समझ में आ रहा है कि वी ओ की वैल्यू कैसे निकली यहां पे, ठीक है।
ये इन्फिनिटी के केस में निकल जाती है, क्योंकि इन्फिनिटी के केस में ये जो लंबाई है वो यू ही नहीं रहती, ये लंबाई एफ ही हो जाती है, तो ईजी हो जाता है हमारे लिए करना। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, वी ओ आ गया। अब सोचो वी ओ मेरे पास यहां से क्या आ गया, वी ओ आ गया, ठीक है। एफ ओ मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, वहां से यू आ गया, अब वी ओ आ गया, यू ओ आ गया, डी पता है, एफ ही पता है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वी ओ यू ओ, और यहां पे क्या था, डी बाई एफ ई। तो आप एक काम करें, वी ओ आपके पास है, आप वी ओ की हेल्प से फोकल लेंथ की वैल्यू ऑब्जेक्टिव की आपको पता है ऊपर से, तो आप यहां से यू ओ निकाल लेना, यू ओ आ गया, यहां वैल्यू पुट करके आपके पास आंसर आएगा। स्टेप समझ में आया कैसे करना है, पहली प्रेफरेंस वी ओ और यू ओ की ही रहेगी, नहीं आएगा, और इससे आंसर पता है कितना आ रहा है, 70, और अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आ रहा है, 100, बहुत फर्क हो गया, 19-21 भी नहीं हुआ, ठीक। तो ये सॉल्यूशन के ना नेक्स्ट पेज जो है, ये इसमें नोट लिख लेना, ये एक्चुअली नेक्स्ट से नेक्स्ट पेज पे रेफर्ड है, ऐसे गलती से एक पेज उल्टा लग गया, स्कैन हो गया, तो यहाँ पे है, तो वी ओ की वैल्यू आ गई, फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई, सॉल्व करके आपके पास यू ओ आ गया, यू ओ आ गया, तो वी ओ यू ओ डी और एफ ई से आंसर आ गया 70। तो मेथड समझ में आया कि कैसे पहली प्रेफरेंस कैसे लगानी है इसमें, कोई डाउट इसमें, देखो ये ट्रिकी है, यहां इरिटेशन होती है कि कौन सा लगेगा, तो पहली प्रेफरेंस रियो यूएई की रहेगी, नहीं आया तो फिर एल लगाएंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन, तो टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20, ये टोटल मैग्निफिकेशन है इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, व्हाइल दैट प्रोड्यूस बाय आईपीस अलोन इज 5। तो सोचो टोटल मैग्निफिकेशन एम क्या होती है, एम ओ इंटू एम ई, एम की वैल्यू कितनी है इसमें 20, आईपीस एम ई कितना 5, तो एम ओ की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक। तो एम ओ आ गया, एम ई आ गया, दोनों चीजें आ गई। अब क्या करना है इसमें, व्हेन माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 14, तो एल की वैल्यू कितनी है 14, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की दूरी को एल बोलते हैं। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, एफ ओ और एफ ई की वैल्यू बतानी है जब डी की वैल्यू कितनी है 20 है। तो इस केस में यहां पर डी की वैल्यू 20 का मतलब है कि इमेज इज फॉर्मड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो यहां पर अगर डी 20 है तो फाइनल इमेज आईपीस कहां पर बनाएगा, -20 पे, नॉर्मली 25 होता है वीई पर यहां पर 20 कर देना है। तो रूल नंबर 1, एम इज इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई, तो एम ओ की वैल्यू एम बाई एम ई, सॉल्व करके 4 आ गया। अब एक काम करते हैं कि जो आईपीस है, अकेला आईपीस है, वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है, अकेला आईपीस। तो अगर आप याद करें एम ओ इंटू एम ई के अंदर जब हम एम ई पुट करते हैं तो उसमें यही तो फॉर्मूला पुट करते हैं, तो ये फॉर्मूला याद करो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो फॉर्मूलाज का मिक्सचर है, वो एमओ और एमई का प्रोडक्ट है, तो इसमें एमई का ये फॉर्मूला है। तो आप अकेले मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लगा लें, तो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस का ये फॉर्मूला है, तो आईपीस की मैग्निफिकेशन कितनी है इसमें 5 है, हमने निकाल पता है हमें, डी यहां पर 25 की जगह 20 है, तो यहां से फोकल लेंथ था कि एक आंसर आ गया। तो आईपीस के लिए अकेला ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कैन बी यूज, क्योंकि वो ट्रीट किया जाता है लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक हो गया आंसर, एक आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट आपको एफ ओ निकालना है। देखो अगर आपको एफ ओ निकालना है तो क्या करना है, एफ ओ निकालने के लिए, एफ ओ निकालने के लिए काम करते हैं, मैग्निफिकेशन की वैल्यू ऑब्जेक्टिव की क्या होती है,
वी ओ बाय यू ओ, यही है इमेज का डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यही है। ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन हमें ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। तो अगर मैं आपको वी ओ और यू ओ बता दूं तो आप वहां से फोकल लेंथ निकाल सकते हो, क्योंकि आप फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, वन बाय एफ ओ इज इक्वल टू वन बाय वी ओ माइनस वन बाय यू। तो मैं आपको दो वैल्यूज बताऊं, ये वाली, ये वैल्यूज बताने के लिए आपको लंबाई पता है माइक्रोस्कोप की कितनी है, ये ऑब्जेक्टिव है और ये आईपीस है। और ऐसे केस में क्या होता था, ऐसे केस में ये डिस्टेंस क्या होता था वी ओ और ये डिस्टेंस क्या होता था यू ई, तो लंबाई कितनी है इन दोनों का सम वी ओ प्लस यू ई, ऐसे होता था। इसमें इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, तो ये जहां पर इमेज बनाता है ये इसे ऑब्जेक्ट मानता है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है आपको 14, ये 14 गिवन है डाउट इसमें। तो अब ये अगर आपको 14 गिवन है तो आपको इस क्वेश्चन में आपको ये भी पता है कि अगर मैं मैग्निफिकेशन यूज करूं आईपीस के लिए तो आईपीस इमेज कहां बना रहा है 20 पे, 25 की जगह 20 पे, तो वी की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन ही है 20 है। मैग्निफिकेशन आपको पता है आईपीस की कितनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया यूई आ गया। तो अगर यूई आ गया मैग्निफिकेशन आईपीस के फॉर्मूले से वीई बाई यूई से UE आ गया तो समझो क्या आ गया VO आ गया, अगर VO आ गया तो सॉल्व करके समझो क्या आ गया UO आ गया, अगर UO आ गया तो समझो सॉल्व करके क्या आ गया FO आ गया। इसमें सही नहीं किया हुआ, इसमें मैंने L से सॉल्व कर दिया, जबकि मैंने चेक नहीं किया कि ये क्वेश्चन VO और U से सॉल्व हो सकता था, तो मैंने अप्रोक्सीमेट आंसर निकाला। आप अपना मेथड यहां से चेंज कर लें, यहां तक बिल्कुल सही है असाइनमेंट में, यहां तक बिल्कुल सही है UE, ये सही है, रादर यहां तक सही है, यहां तक सही है, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है 14 है, इसमें से ये 4 है, तो ये क्या आ गया वी ओ आ गया, वी ओ आ गया। फिर आप एक अगला स्टेप कर लें, मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव की क्या होती है, वी ओ डिवाइडेड बाय यू ओ होती है मैग्निफिकेशन। देखना जरा कितनी गिवन है ऑब्जेक्टिव की, इसमें क्वेश्चन में गिवन है, चेक करना कितनी है, ऑब्जेक्टिव की 4 है, तो ये 4 गिवन है, ये 10 है, तो ये क्या आ गया यू ओ आ गया, तो यू ओ की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 4 आ गई। बस अब यू ओ आ गया, वी ओ आपके पास है तो आप यहां हिंट लिख लेना 1 बाय एफ ओ इज 1 बाय वी ओ माइनस 1 बाय यू ओ, यू ओ को माइनस 10 बाय 4 पुट करना क्योंकि रियल इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट, तो ये माइनस ये पॉजिटिव, और यहां से फोकल लेंथ की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, कितना आ रहा है आंसर चेक करना, उसमें कितना है,
ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप,